पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है कि 4 जून यानी कल क्या होने जा रहा है, देश में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या फिर मोदी सरकार बनने जा रही है या फिर कुछ बदलाव होने जा रहा है। जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जिट पोल जरूर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। इस एग्जिट पोल को लेकर जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम समाज के लोग क्या सोचते हैं, इस एग्जिट पोल को लेकर उनके मन में क्या बातें हैं, क्या उनके दिल में है और क्या वो सोच कर चल रहे हैं, इसी पर इन लोगों से एक एक करके बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर एग्जिट पोल को कितना सही मानते हैं। एग्जिट पोल आ गए हैं, आपने देखा, क्या लग रहा है एग्जिट पोल को देखकर? देखिए, एग्जिट पोल सभी न्यूज़ चैनल के बराबर से ही आए हैं, मतलब 350 एनडीए को दे रहे हैं, 350, 350, 355, 360, 61 और कोई 405 भी चले गए। हाँ हाँ, तो आपको ये मालूम होगा, आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया आपको और आप भी देश प्रदेश में घूम रहे हैं। इस बार जो ये चुनाव हुआ है किसी धार्मिक सिस्टम पर नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं हुआ, और इसके साथ साथ ये है कि जो ये चुनाव हुआ है ये बेरोजगारी और महंगाई पर चुनाव हुआ है। और आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार भी है इस चीज़ के लिए, यूथ को सर्विसेज नहीं है, गरीब कमज़ोर लोगों को महंगाई है, इसकी मार वो झेल रहे हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 3 चरण जो पहले स्पष्ट हुए हैं उसमें पिछली बार से कम 4% मतदान कम हुआ है। तो वो जो जोश था लोगों में, मैं मान रहा हूँ वो जोश 2019 में था, वो इस बार जो एनडीए समर्थक लोग हैं उनमें नहीं था। अगर होता तो वही पिछली बार 303 सीट आई थी बीजेपी की, यानी कि एनडीए की, बीजेपी की आई थी। इस बार 350 और 351 जब दिखा रहे हैं कि जब मतदान कम हुआ है, मेरठ की सीट पर आप लगा लीजिए, पिछली बार 12 लाख कुछ हुआ था, इस बार 11 लाख कुछ हुआ है, 11,69,000। तो ये एक गंभीर विषय है। और एक विषय यह है सबसे बड़ा कि वोट की, जब वोट पड़ती है तो एक दिन या दो दिन के बाद में चुनाव आयोग क्लियर कर देता है कि भाई इतनी वोट पड़ी है और इतना परसेंटेज हुआ है। बाद में उसका चुनाव आयोग का रिजल्ट आना कि भाई इतना परसेंटेज हुआ है, तो ये गंभीर विषय है। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव बहुत हुए हैं, अब से पहले बहुत चुनाव हुए हैं और रिजल्ट भी आ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, जो कुछ प्रत्याशियों की सुनने में भी आया है कि प्रत्याशियों ने बयान दिए हैं कि अगर बेईमानी हुई तो कलेक्टर की लाश आएगी या मेरी लाश आएगी। वो सनातन पांडे हैं, मैं सुन रहा था उनका बलिया का स्टेटमेंट, बलिया से लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये गंभीर विषय है ये, और मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर प्रशासन के भी हाथ पैर खुले हुए हैं, क्योंकि अब से पहले इस तरह से चुनाव हुए नहीं, चुनाव में इस तरह की गंभीरता और जो आशंकाएं हैं, ये गंभीर विषय है। फिर क्या लग रहा है एग्जिट पोल पर? नहीं, एग्जिट पोल में तो आशंका है। अच्छा। ये क्लियर नहीं। मेरठ की सीट की बात कर लूँ तो देखिए, मेरठ की सीट की मैं आपको बता रहा हूँ भाई, भविष्य घुसा, मतलब भविष्य तो पेटियों में चला गया जिसका भविष्य है। लेकिन मैं बीजेपी को टोटली ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीजेपी की सीटें घटनी है, मेरठ में तस्वीर साफ कर दी। मेरठ की तस्वीर की कंडीशन ये है कि मेरठ में कड़ा टक्कर का मुकाबला है। अच्छा, कड़ा मुकाबला, आपको क्या लग रहा है? मैं जो एग्जिट पोल ये दिखाए हैं, मैं बिल्कुल भी इससे वाकिफ नहीं हूँ, और मुझे उम्मीद है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आएंगे बिल्कुल इससे उलट आएंगे और गठबंधन पूरे 295 प्लस सीटें लेकर सरकार बनाएगी। और रही बात मेरठ की सीट, इंशाल्लाह गठबंधन जीतेगी। और ये तो हमेशा जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये तो हमेशा एनडीए की, भाजपा समर्थित जिनकी सरकार होती है उन्हीं के फेवर में हमेशा ये एग्जिट पोल दिखाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार बनेगी 295 प्लस सीटें लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सलीम भाई, जो आपने अभी मेरठ की सीट की बात करी है, तो मेरठ की सीट में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं अरुण गोविल जीतेंगे, आपको कौन जीता हुआ लग रहा है? नहीं, इंडिया गठबंधन जीतेगी बिल्कुल। जो योगेश वर्मा जो पूर्व विधायक हैं, उनकी वाइफ जो लड़ी थी सुनीता वर्मा, जो गठबंधन की प्रत्याशी थी, वो बिल्कुल लगभग 50,000 सीटों से वो जीते जाएंगी, बिल्कुल 50,000 वोटों से वो जीतेंगी। और यहाँ पर इसके अलावा जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो बाहरी कैंडिडेट हैं, और उनको मन से ना तो चुनाव लड़ाया गया ना वो मजबूती से लड़े, वो बाहरी उम्मीदवार थे। सुनीता वर्मा जो मजबूती से चुनाव लड़ी वो जीतेंगी, यहाँ से वो जीतेंगी। आपको क्या लग रहा है? देखो, राजीव अग्रवाल साहब जो थे यहाँ के थे, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आदमी भाग के पहुँच जाएगा अपने शहर के थे।
लेकिन इन्होंने टिकट बाहर वालों को दे दिया। अब हम अगर कोई बात हो गई, हम गरीब लोग, हम कहाँ जाएंगे बम्बई? बम्बई कहाँ देगी हमने? नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है बड़े मियां, वैसे क्या लग रहा है एग्जिट पोल भी और मेरठ की सीट भी? हमें तो मेरठ की सीट इसी की लग रही है। किसकी? सुनीता वर्मा की। अच्छा, सुनीता वर्मा जीतेगी जी। अच्छा, कैसे मतलब, थोड़ा सी चीज समझाओ। बाहर के है ना, बाहर के लोग ना, यहाँ का कोई होता तो शायद वो जीत जाता। तो बाहर के लोग को आदमी ने वोट कम दी है इस बार। अच्छा, मेरठ में क्या लग रहा है? मेरठ में कड़ाके की टक्कर है, दोनों तरफ से बराबर वोट मिले हैं। अब भविष्य जो है बंद हो चुका है, अब कल पता लगेगा जी। कल पता लगेगा। कल क्या हो रहा है? कल जो है सुनीता वर्मा जीतेगी। अच्छा, लग रहा है पूरा। हाँ। अच्छा, ये लोग तो अपनी अपनी जो इन्होंने बात है उन्होंने कह दी, कह रहे हैं कि गठबंधन का पलड़ा भारी है। आपके हिसाब से किसका? देखिए, पलड़ा तो विपक्ष का ही भारी है, क्योंकि इस सरकार ने 2019 में जनता ने मोदी सरकार को वोट दिया, मौका दिया कि मोदी जी भाजपा आएगी, बदलाव लाएगी। 2014 में मौका दिया था, लेकिन नतीजे आप देख सकते हैं। हर इंसान परेशान है, बेरोजगार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, और भ्रष्टाचार ये आप खुद देख सकते हैं किस तरह। एग्जिट पोल की बात कर लो और मेरठ की बात कर लो, तो एग्जिट पोल देखिए हर बार यही दिखाया जाता है, एक माहौल बनाने के लिए, ताकि लोगों का जो विपक्ष वाले हैं उनका पहले से एक कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करने के लिए कि तुम तो हार गए। ये एक पुराना तरीका है कि एग्जिट पोल के जरिए से जनता का रुझान को एकदम भांप लेना कि क्या जनता चाह रही है, ठीक है। और दूसरी बात, मेरठ की बात आए तो मेरठ की सीट बिल्कुल क्लियर है, सुनीता वर्मा जी चुनाव जीत रही हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रही हैं। क्योंकि अरुण गोविल जी जिस दिन चुनाव हुआ, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो यहाँ से गायब हो गए। उन्हें भी पता है कि मेरठ में उनका कुछ होने वाला नहीं है, और यहाँ के नेताओं ने भी उनका कोई साथ नहीं दिया है, बीजेपी के खुद नेता उनके साथ में नहीं थे जो। तो अरुण गोविल जी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया, और जिसकी वजह से उनका इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि भारी नेता ला करके यहाँ इम्पोर्ट कर दिया गया, तो ये जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि राजेंद्र अग्रवाल थे, वो भी, उनसे भी पब्लिक नाखुशी थी, उन्होंने भी कभी कुछ नहीं सुना, किसी जनता के लिए नहीं सुनी। सेक्टर 8 की ही मैं बात करता हूँ, वहाँ के लोग पड़ोसी वहाँ के रहने वाले थे, तो वो कहते थे कभी बस मोदी जी के नाम पर इन्हें वोट मिलती थी, अब की बार उन्हें भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बीजेपी ने उनका चेहरा बदल कर ये ला कर दिया, लेकिन इस पर भी कोई जादू नहीं चल पाया। ये तो सीधा एक तरीके से कह रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी सुनीता वर्मा चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैं आपको पिछले रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 से पहले थी, शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, और आने वाली सरकार को ये बता रहे थे 2004 में इलेक्शन हो रहा था, तो शाइनिंग इंडिया को लेकर हम फिर दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, यूपीए की सरकार बड़ी मजबूत बनी। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि 100% एग्जिट पोल पर विश्वास किया जा सकता है। ये किसके आई भाई, ये तो मतदान पेटियों में भविष्य है। अब आकलन क्या लगाया जाए, आकलन आप किस तरह से लगाते हैं, किस बूथ पर जाते हैं, कौन से रिले मिले बूथों पर जाते हैं, या वन साइड। लेकिन मतलब आप कड़ा मुकाबला मान रहे हैं? नहीं, मुकाबला तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन अगर पहले नंबर पर रखो तो किसे रखेंगे? पहले नंबर पर मतलब सुनीता वर्मा, अरुण गोविल, या आपके त्यागी जी? नहीं नहीं, देवव्रत त्यागी। देखिए, मैं आपको बताऊं, त्रिकोणीय मुकाबला है, और त्रिकोणीय मुकाबला में तो मुझे इंडिया ही गठबंधन का मुझे लग रहा है सुनीता वर्मा। जी जी, ये तो सुनीता वर्मा कह रहे हैं साहब बिल्कुल। लेकिन वो जो है ना, कड़ा मुकाबला है, मुकाबला कड़ा है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। गठबंधन की जो प्रत्याशी है, एक तरफा 50,000 वोटों से वो इंशाल्लाह जीतने जा रही है। तो 50,000 की बात कर रहे हैं? सर, मैं दावा नहीं करूंगा 50,000, 20,000, 10,000, क्योंकि ये तो अगर 5-7 हज़ार घंटे अंतर रह गया तो हो सकता बीजेपी को ही जिता दिया जाए। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, जैसे हाजी याकूब कुरैशी गठबंधन प्रत्याशी थे, 5-7 हज़ार वोटों का अंतर आ रहा था, लेकिन दबाव बना करके सत्ता का, और उनको डरा कर, धमका कर, और ये सीट जबरदस्ती छीनी गई थी, वरना पिछली बार भी गठबंधन के हाथ में ये सीट गई थी। तो ये मैं नहीं कह सकता कि 50,000 वोटों से, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि सुनीता वर्मा इस बार चुनाव जीत रही हैं। ये तो बड़ी घोषणा कर रहे हैं चाचा। सही कह रहे हैं बच्चे। अच्छा, क्यों इतनी सही बात? सही बात ये है कि जी, सुनीता वर्मा पहले मेयर भी रही हैं, हमारा विकास किया है शहर का, नाले बनवाए, पंजे लगवाए, सड़क, ये सड़क बहुत कच्ची थी, ये बनवाई, और देखो नसंदी की सड़कें भी उन्होंने पास कराई, और उनके कार्यकाल का बहुत बात में काम हुआ उनके उतरने के, जो अब भी काम हो रहा है शहर में उनके पास किया हुआ है, वो अभी पिछले साल से पहले हुआ, उनके सब पास किया हुआ। क्या लग रहा है चाचा? सर, ये जो कह रहे हैं भाई, सही कह रहे हैं। कौन ये भाई? जो कह रहे हैं आपसे, पहली सड़क जो बनी है वो उनके उससे बनी है। अच्छा, सुनीता वर्मा जी, ये मेहर थी यहाँ की, हमारे गली के खड़े नाले थे वो सब उन्होंने बनाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जिस तरीके से आ रही हैं, आप बता दीजिए क्या लग रहा है। मतलब
मेरा तो ये बिल्कुल लग रहा है कि इस बार जो है योगी शर्मा जी की पत्नी जो है पूरी तरह से जीत रही हैं, और हमने तो पहले ही एक नारा दे दिया है, लाल टोपी काला कोट इस बार अखिलेश को वोट। अच्छा। हमने तो पहले ही बोल दिया था। अच्छा। और पूरा लग रहा है कि इस बार जो है सुनीता वर्मा जी जीत रही हैं जी। अच्छा अच्छा, मतलब जो एग्जिट पोल को किस नजर से एग्जिट पोल बिल्कुल फर्जी हैं, इस बार जो है हमारे अखिलेश जी वो करेंगे। जो एग्जिट पोल हो बिल्कुल फर्जी हैं, अखिलेश जी ने बोल भी दिया है कि एग्जिट पोल पर नहीं जाइएगा, 300 वोट उस तक भी वो दिखाते रहेंगे कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जिट पोल को कैसे मान रहे हैं? मैं तो बिल्कुल फर्जी मान रहा हूँ एग्जिट पोल ये बनाए हुए मोदी जी के जितने भी चैनल। लेकिन जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कमल खिलेगा चौथी बार भी, रोक ही नहीं पाएगा कोई। नहीं, वो हार का दावा कैसे कर सकते हैं और अपनी सीट को कैसे गंवाने की सोच सकते हैं, वो तो दावा जीत का ही करेंगे। सभी कैंडिडेट, सभी पार्टी के जितने भी लीडर हैं अपनी अपनी जीत का दावा सभी करते हैं, और ऐसे ही हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं सुनीता वर्मा जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रही हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, भाषाई भाषाओं से बातचीत करने से कुछ नहीं होता, वोट से जीतता आदमी। यहाँ शंका और आशंकाएं हैं और मैं आश्वस्त नहीं हूँ किसी को लेकर, क्योंकि 2,45,000 वोट डले हैं मेरठ कैंट में, 5 विधानसभाएं यहाँ पर, गठबंधन चारों विधानसभाओं पर जीत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिकोणीय चुनाव हुआ है। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं और मजबूती से चुनाव लड़े हैं। और बहन जी का अपना एक कैडर वोट होता है, पिछली बार हाजी याकूब चुनाव लड़े थे, कैडर वोट और प्लस मुस्लिम वोट, टोटल वोट उनको मिला तो 4600 वोटों से हाजी याकूब साहब हार गए थे और हरा भी दिया गया था, जो आपने देखा है मामला। अब अंतराल कितना है कि कम से कम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अगर 1,00,000 वोट भी लिए हैं 5 विधानसभा में, तो ये लगता नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये दावा है कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा चुनाव जीतेंगे, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, चूँकि चुनाव वोटों से जीता जाता है और वोट ईवीएम में कहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि तापमान ज़रूर बढ़ा हुआ है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर 4 जून यानी कल होने क्या जा रहा है। सनु शर्मा, ABP News, मेरठ।